चरखी दादरी से कांग्रेस के प्रत्याशी नृपेंद्र सांगवान के पक्ष में प्रचार करने पहुंचे पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी पर जमकर साधा निशाना। उन्होंने बीजेपी की नीति और नियत पर सवाल उठाते हुए कहा कि बीजेपी ने बदले की भावना से काम करते हुए हर वर्ग के लोगों के साथ अन्याय किया है। दादरी के समसपुर गांव में जनसभा को संबोधित करते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने पिछले 5 सालों में कोई भी विकास का काम नहीं किया, बीजेपी ने हर वर्ग के साथ अन्याय किया है। यही कारण है कि आज जनता समझ चुकी है कि उनका भला कौन कर सकता है। अब 10 साल हमारी सरकार रही और 14 में बीजेपी की बनी। बीजेपी ने बहुत लंबे जब चौड़े चौड़े वायदे किए किसान के साथ, मजदूर के साथ, व्यापारी के साथ, पूर्व सैनिकों के साथ, व्यापारियों के साथ, लेकिन हुआ क्या? 5 साल में किसान को कहा था स्वामीनाथन देंगे, आज किसान का हालात क्या है हरियाणा में, बर्बादी के कगार पे है। हुड्डा ने कांग्रेस के 10 साल के कार्यकाल को याद दिलाते हुए कहा कि कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में कई विकास के काम करवाए हैं, लेकिन बीजेपी ने सत्ता में आते ही कांग्रेस द्वारा चलाए जा रहे जन विकास की योजनाओं को बंद कर दिया है, किसानों के साथ अन्याय किया है। सारे हरियाणा में घूम के आया हूँ, मैं कह के जा रहा हूँ सरकार आपकी बनने जा रही है, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है, लोगों का बड़ा भारी समर्थन है और दादरी में तो भाई मेरा विशेष लगाव है। मेरे यहाँ से आपको मालूम है खून का रिश्ता है, मेरी दादी दादरी की थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस के घोषणा पत्र की तारीफ करते हुए कहा कि अगर कांग्रेस जीत कर सरकार बनाती है तो 24 घंटे के अंदर किसानों के कर्ज को माफ किया जाएगा, 24 घंटे बिजली देने का काम करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि दादरी से कांग्रेस का पुराना नाता है, उनकी दादी दादरी से थी, यही कारण है कि कांग्रेस के 10 साल के कार्यकाल के दौरान दादरी के विकास के लिए कई काम किए गए हैं और वो स्कीम भी बंद कर दी। तो आपके सामने है ना किसान के ना व्यापारी के, कर्मचारियों से क्या कहा था, तो रोज लाठियां खाते हैं कभी पंचकुला में कभी करनाल में। तो हमने जो पहले कहा वो किया, क्या था 1600 करोड़ की बिजली बिल माफ करूंगा, करे ना, जब भी ये कह रहे थे वो करता लाओगा पीसा, इतने कहाँ से लाएगा 1600 करोड़ की बिजली माफ किया, ट्यूबवेल पर स्लैब सिस्टम कराया, हर किसान की बिजली कटी 10 पैसे की, आपके सामने है सारा सिस्टम। किसान का गरीब आदमी को 3,82,600 गज के प्लॉट दिए हमने, सस्ता अनाज दिया, दाल रोटी की स्कीम चलाई, बच्चों को वजीफा दिया, इनने सब स्कीम ठप कर दी। तब सवाल आता है भाई हमारी सरकार आएगी तो हम क्या करेंगे, जो कहते हैं वो करते हैं। सबसे पहला काम मैं करूँगा जो मेरा किसान और भूमिहीन खेती से जुड़ा हुआ है जो कर्जे में दब गया, भाई पहले सरकार बनते 24 घंटे के अंदर उनका कर्जा माफ कर दे। गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही दिन रह गए हैं, ऐसे में कांग्रेस चुनाव प्रचार में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता चुनावी मैदान में उतरकर जनता को अपने पक्ष में करने में लगे हुए हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि 24 तारीख आने वाले नतीजों में कौन जीतता है और जीतकर जीत का सेहरा पहनता है और किसको जनता का आशीर्वाद मिलता है। चरखी दादरी से टोटल न्यूज के लिए प्रदीप साहू की रिपोर्ट।